हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। ईशान खट्टर और जानवी कपूर के रिलेशनशिप पर पहली बार बोले शाहिद कपूर। दोनों को दी है शाहिद ने बड़ी सलाह। हाल ही में अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म कबीर सिंह की सक्सेस को एंजॉय कर रहे एक्टर शाहिद कपूर इन दिनों अपने इंटरव्यू को लेकर चर्चाओं में है। शाहिद ने हाल ही में नो फिल्टर नेहा सीजन 4 में हिस्सा लिया है। इस दौरान बॉलीवुड स्टार नामी एंकर एंड मॉडल नेहा धूपिया के साथ शाहिद कपूर ने दिल खोल कर कई बातें की है। इसी दौरान शाहिद से जब उनके भाई ईशान खट्टर और जानवी कपूर के र्यूमर्ड रिलेशनशिप को लेकर सवाल किया गया तो वो ईशान को और जानवी कपूर संग रिश्ते पर क्या सलाह देना चाहेंगे तो शाहिद ने बेहद सटीक जवाब दिया। बैलेंस वर्क एंड पर्सनल स्पेस, यानी कि अपनी निजी जिंदगी और काम के बीच सही संतुलन बनाए, है ना बड़े भैया, शाहिद कपूर की एकदम सटीक सलाह। वैसे बता दें कि ईशान खट्टर और जानवी कपूर एक साथ फिल्म धड़क में दिखाई दिए थे। ब्लॉकबस्टर मराठी फिल्म सराट की हिंदी रिमेक में इन दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई थी, लेकिन इसी बीच ऑन स्क्रीन के अलावा इनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी खासा चर्चा का विषय बनी थी। दोनों के बीच इस फिल्म के दौरान ही रोमांस की खबरें सामने आने लगी थी। इन खबरों पर इन दोनों स्टार्स ने ना तो कभी हामी भरी और ना ही इनका खंडन किया, बल्कि अक्सर इनके एक दूसरे के साथ स्पॉट होने को लेकर जरूर ऐसी खबरों में उबाल देखने को मिला है। इसी बीच जानवी कपूर ईशान खट्टर के परिवार और शाहिद कपूर के घर पर भी कई बार स्पॉट की गई। शाहिद कपूर के घर पर जानवी अक्सर फैमिली फंक्शंस में मौजूद रहती है। वहीं मीरा राजपूत और जानवी का भी साथ में जिम करना हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। पिछले दिनों मनीष पॉल के शो में जानवी और ईशान ने साथ में करवा चौथ भी सेलिब्रेट किया था। भले ही ये दोनों टीवी पर करवा चौथ का त्योहार मनाते नजर आए हों, लेकिन जिस अंदाज में इन दोनों ने करवा चौथ मनाया वो वाकई में काफी देखने लायक था। और अब ऐसे में शाहिद कपूर का ये बयान एक बार फिर इनके रिश्ते की पुष्टि करता हुआ लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।